इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। जेल के ताने टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। शहीदों के कंधे पर सियासत की रवायत पुरानी थी, लेकिन आपने तो संवैधानिक संस्थाओं के उसूलों को फूंक कर चुनाव की सियासत शुरू कर दी। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों, बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेसली जारी करे कि हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। कि आप किस चक्कर में पड़े हो, ये एफआईआर ये तो सब आपको लंबी चलेंगी, आप छोड़ दीजिए। अब वहाँ इतने सारे मैं तो किसी को जानता नहीं वहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर में, कौन कौन है वो तो ये लोग बताएंगे इन्होंने किसको वो काम दे रखा है। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ की तो बाहर निकलकर सिसोदिया ने दिल्ली से गुजरात तक घूम घूम कर सीबीआई के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सिसोदिया ने केजरीवाल की ओर से भेजा हुआ पर्चा पढ़ पढ़ कर सीबीआई पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी इसे स्क्रिप्टेड ड्रामा बता रही है और सिसोदिया पर झूठी बयानबाजी का आरोप लगाने में लग गई। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के ऊपर जब विशुद्ध राजनीतिक आरोप लगाए गए तो सीबीआई को भी बयान जारी करना पड़ा। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया से सिर्फ एफआईआर में दर्ज आरोपों और बरामद सबूतों पर पूछताछ हुई है, मनीष सिसोदिया के बयानों को सत्यापित किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। मनीष सिसोदिया के आरोपों का सीबीआई पुरजोर तरीके से खंडन करती है। मामले की जाँच आगे भी कानून के मुताबिक जारी रहेगी। देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंट्रोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई, वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। ऑपरेशन लोटस कर करके ही ये लोग सरकार को गिराते तोड़ते हैं। क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र में, क्या किया अरुणाचल में, क्या किया आसाम में, क्या किया बंगाल में। ऐसे तमाम नेता जिनपे सीबीआई की जांच चल रही थी उनको तोड़ा, उनको अपनी पार्टी में लाए, तो इसका सीबीआई का, ईडी का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। वही बात मनीष सिसोदिया ने कही। हम गुजरात चुनाव हार रहे हैं और आप ये सब पैनिक में कर रहे हैं, इसीलिए हैरेस कर रहे हैं सीबीआई ईडी के थ्रू। लेकिन गुजरात चुनाव हराने की इनमें से किसी की मतलब वजूद ही नहीं है। ये क्या चुनाव हराएंगे, और चुनाव वुनाव तो बहुत छोटी चीजें हैं जी। देश के साथ गद्दारी और जनता के साथ भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम वही काम करने के लिए आए हैं। जो भी लोग अपने आप को इन दो कैटेगरी में रखते हैं तो वो थोड़ा समझ जाए और संभल जाए कि ये हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी स्कूल ठीक करने के लिए सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेस ने कुछ और ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि इससे बीजेपी नेताओं की भी पोल खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, गोवा में हो, उत्तराखंड में, ये कांग्रेस को हराने जाती है। ये कितना भी कुछ बोले, लेकिन इनका उद्देश्य यही है कि और ये कहते हैं कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस पूरे देश भर में है। और भारतीय जो आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी नहीं है, एक खास आदमी पार्टी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और आप अपनी सुविधा के हिसाब से व्याख्या कर रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने ये कहा है कि सीबीआई के अधिकारी उन्हें राजनीतिक दल छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे पहले सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक ये कहना शुरू कर दिया था कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से राहुल गौतम और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।